नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CKA न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। भारतीय किसान सेना के एक दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने हरिद्वार जा रहे भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुरगाजी पहुंचने पर नेशनल हाईवे स्थित गुप्ता चाट भंडार पर भारतीय किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पुरगाजी पहुंचे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत सिंह पवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून के जरिए किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के प्रयास के बाद अग्निपथ योजना के जरिए अब नौजवानों को लेकर ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रही है और अब भी नौजवानों पर हो रही इस कोशिश में असफल ही होगी। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहम्मद शमी, उपाध्यक्ष विक्रांत त्यागी, रविंदर शर्मा, मुर्सलीन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौगामा की आवाज़ के लिए पुरगाजी से संवाददाता रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अध्यक्ष, ये काफिला आज उत्तराखंड की ओर जा रहा है, क्या है मामला, किस लिए? ये हमारा एक दिवसीय अधिवेशन है हरिद्वार दामकोटी में, तो इसके लिए हम जा रहे हैं। वहाँ से किसानों के मुद्दों पे हम कुछ घोषणा करेंगे। ये पहली बार हो रहा है, हर बार होता रहता है? ये वैसे तो हर साल होता रहता है, लेकिन इस बार जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा था तो इस बार जोर शोर से कर रहे हैं। तो किस तरह की मांगे होंगे आपके अधिवेशन में, सरकार को सुना के ज्ञापन देंगे आप? किसानों के मुद्दे पे करेंगे हम, जो भी करेगा किसानों से हटके नहीं करेंगे। अब किसानों के बच्चों के साथ जो अत्याचार करा उस पर विचार रखे जाएंगे, ये जो माहौल ये बिगाड़ते जा रहे हैं इस पर चर्चाएं होंगी। अध्यक्ष जी, एक अग्निपथ को लेकर एक वो चल रहा है माहौल देश के अंदर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये कानून ठीक है या इसको वापस लेना चाहिए? देखिए, ये कानून तो ये अपने हिसाब से बना रहे हैं, इसके सर्वे करने चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। अब जो बच्चा 18-19 साल नौकरी करता था, 4 साल में उसे कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का क्या मतलब है भाई? आपने कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे दिया है आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, डिफेंस में तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे विचार ये कहते हैं इस पे सरकार को दोबारा पूर्ण विचार करना चाहिए, उसके बाद जो भी रूपरेखा बनाकर और एक सर्वे करवा के बच्चों की सहमति से करना चाहिए। किसानों के बच्चे फौज में जाते हैं, अमीरों के नहीं, तो हमें तो किसानों को भी लूट रहे और बच्चों को भी लूट रहे। अच्छा, इस अवसर पर आप किसानों को, उन बच्चों को जो धरना प्रदर्शन के, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, उन्हें इस तरीके का हुड़दंग नहीं बचाना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए और हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को हर तरीके से संघर्ष करेंगे उसके।